और लंडो, क्या आपको पता है कि फ्लेम मंत्र जिसे मास्टर याओ लाओ ने ज्ञान को दिया है वो याओ लाओ का नहीं था? तो वो कहाँ से आया और आखिर याओ लाओ को वो कहाँ मिला और आखिर उसे भी किसने बनाया? इसका जवाब मैं दूंगा आज। तो भाई, जो हमारे मास्टर याओ लाओ थे ना, वो अपनी बॉडी के अंदर थे जब वो एक मेंशन के अंदर गए थे। और मेंशन क्या है जी? एक जगह है जिसमें एक क्लैन पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उसे और फिर हम मेंशन कहते हैं। तो मास्टर यहाँ पर गए थे और यहाँ इनके साथ, मतलब इनके साथ नहीं, इनके इनके अलावा बहुत से बंदे आए थे अलग अलग क्लैनों से। तो वहीं पर हमारे मास्टर को ये वाला फ्लेम मंत्र गलती से मिल गया था। हालांकि एक बंदे ने इन्हें लेते हुए देख लिया था ये फ्लेम मंत्र। कह रहे बंदे का एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये फ्लेम मंत्र है ना, ये फ्लेम मंत्र उसी टाउसे गॉड से रिलेटिव है जिसका ज्ञान के पास वो क्रिस्टल है जो हमारे ज्ञान को उसके क्लैन से मिला था। और हाँ, ये फ्लेम मंत्र उस गॉड का भी नहीं है, उसे भी कहीं से मिला था। अब वो एक राज है कि उसे वो कहाँ से मिला था। तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्लेम मंत्र एक रहस्यमय चीज है, लेकिन अपन कल्पना कर सकते हैं अगर आप लोग बोलोगे तो। और समझदार को सारा काफी है।